नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां अपने चुनाव प्रचार के क्रम में आज 24 अप्रैल को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मेहनगर विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर आयोजित चौपाल कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि संसद में मजबूती से आपकी वकालत करूंगा, आपकी समस्याओं को लोकसभा में उठाने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक रूप से यह बोल चुके हैं कि 400 सीटें आने पर हम संविधान बदल देंगे। राजस्थान के एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान बदलने के साथ साथ हम आरक्षण भी खत्म कर देंगे। आज सबसे बड़ी भूमिका जनता जनार्दन की है, उसके एक वोट से संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की भाजपा की मंशा को नेस्तनाबूद किया जा सकता है और देश की संविधान और आरक्षण को बचाने के साथ साथ पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम दुश्वारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कार्यक्रम के साथ विधायक पूजा सरोज, राम जगराम, कमला यादव, लाल बिहारी यादव, नंद किशोर यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, साथी तथा क्षेत्र की सम्मानित जनता उपस्थित रही।